गांधी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा संकल्प लिया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ पर सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की उपस्थिति में मंच से दंतेवाड़ा जिले को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का संकल्प लिया है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि घोर नक्सल विरोधी प्रभावित जो दंतेवाड़ा जिला है, जब बीजेपी के 15 साल के शासन में विकास के मामले में पिछड़ा रहा, तो आने वाले 4 साल में क्या दंतेवाड़ा की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जो सुशासन के मामले में अभी भी कई राज्यों से पीछे है। कार्मिक मंत्रालय ने सुशासन के मामले में राज्यों की जो रैंकिंग जारी की है, और उसमें देश का दिल यानी एमपी 9वें नंबर पर है। हालांकि कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने सभी बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है, लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रदेश में किसान बदहाली के दौर से गुजर रहे सालों साल से, वो कृषि क्षेत्र में कैसे नंबर वन बन गया? और जब सरकार हर क्षेत्र पर पूरा ध्यान दे रही है, तो उस सूरत में एमपी का नंबर जो है वो 8 प्रदेशों के बाद आता है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ से, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा को लेकर दम भर दिया है। अब तक हम जिस दंतेवाड़ा को नक्सल के गढ़ के रूप में पहचानते आए हैं, उसकी सूरत जल्द ही बदल सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकल्प लिया है कि अगले 4 सालों में दंतेवाड़ा जिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली एक जो बड़ी आबादी है, उससे बाहर लाया जाएगा। हालांकि दंतेवाड़ा की सूरत बदलने का दावा पिछली सरकार में भी खूब होता रहा। गुड़ नक्सल प्रभावित इस जिले को एजुकेशनल सिटी के रूप में पहचान दिलाए जाने के दावे किए जाते रहे, लेकिन सच यह है कि आज भी दंतेवाड़ा जिले को जो 60% आबादी है, वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर चर्चा शुरू करें। चलिए इसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं सबके साथ ये संकल्प लेता हूँ, 4 वर्षों में उसे राष्ट्रीय औसत से भी कम गरीबी रेखा के नीचे हम लाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये संकल्प निश्चित तौर पर दंतेवाड़ा की सूरत बदलने की एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन दंतेवाड़ा के लाइवलीहुड कॉलेज को केंद्र सरकार ने देश के लिए एक मॉडल बताकर सम्मानित किया, आखिर क्या वजह है कि उस दंतेवाड़ा में गरीबी रेखा के नीचे 60% लोग जीवन यापन कर रहे हैं? सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के गठन के 19 साल बाद भी दंतेवाड़ा को विकास की पटरी पर आखिर क्यों नहीं लाया जा सका? हालात यकीनन बदले, लेकिन क्या जमीन से ज्यादा कागजों पर ये सूरत बनी रही? दरअसल ये तमाम सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के मंच से ये संकल्प लिया कि आने वाले 4 सालों के भीतर दंतेवाड़ा में गरीबी रेखा के नीचे रह रही 60% की आबादी को विकास के रास्ते लेकर आना है। बघेल ने दावा किया है कि गरीबी रेखा का जो राष्ट्रीय औसत 22% है, इसके नीचे दंतेवाड़ा को लाया जाएगा। उन्होंने ये संकल्प कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में लिया। छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया होने के नाते हमारे पूरे मंत्रिमंडल के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबके साथ ये संकल्प लेता हूँ कि हमारे दंतेवाड़ा जिला जो 60% से अधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, राष्ट्रीय औसत 22% है, इन 4 वर्षों में उसे राष्ट्रीय औसत से भी कम गरीबी रेखा के नीचे हम लाएंगे और सबको गरीबी रेखा के ऊपर लाने का हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस संकल्प का बीजेपी ने समर्थन तो किया, लेकिन तंज भी कसा। तंज इस बात को लेकर के हाथों में गंगा जल लेकर 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने वाली कांग्रेस की सरकार का वाकई इस संकल्प को पूरा करेगी? वो अगर गरीबी की रेखा को राष्ट्रीय औसत से कम लाने का उनका एक संकल्प लेती है तो निश्चित रूप से मैं उसका स्वागत करता हूँ। जैसे गंगा जल लेकर उन्होंने किसानों को 2500 रुपए में धान खरीदी का, शराबबंदी का, बुजुर्गों को 1000-1500 रुपए पेंशन देने का, कर्मचारी साथियों के नियमितीकरण का, उनका बिजली बिल आधा करने का, इस तरह के जो संकल्प लिए थे, उस तरह का झूठा संकल्प ये न साबित हो, इसके लिए भी मैं कांग्रेस को आगाह करना चाहूंगा। दंतेवाड़ा जिला हमेशा से ही सियासत का बड़ा अखाड़ा रहा है। नक्सलवाद को लेकर पनपी सियासत हो या फिर एजुकेशन सिटी बनाकर देश भर में नक्सलगढ़ की तस्वीरें बदलने की दावे, हर बार दंतेवाड़ा राजनीतिक दलों की रोटियां सेकता रहा, लेकिन
अब जब सरकार ने दंतेवाड़ा के हालात को बदलने का संकल्प लिया है तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले चार सालों में दंतेवाड़ा की तस्वीर किस तरह बदलती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो भूपेश बघेल ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो दंतेवाड़ा को लेकर दम भरा है वो कितना दमदार होगा, क्या इस दम से जो छत्तीसगढ़ की सूरत बदल जाएगी पूरी तरह से, खास तौर से जो दंतेवाड़ा को लेकर दावा किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वो किस तरह से उसकी सूरत बदलेगी, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। राकेश जी आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता ओपी चौधरी जी हैं, चौधरी जी आपका बहुत स्वागत है। भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी। भार्गव जी आपका भी बहुत स्वागत है। रायपुर जाए उससे पहले भार्गव जी एक छोटा सा सवाल आप ही से है, आपने सुना भूपेश बघेल जी की बातों को, क्या लगता है जो उन्होंने संकल्प लिया है जो बीजेपी के रमन सरकार जो थी 15 साल तक उस दौरान जो नहीं हुआ वो संकल्प लेने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी की मौजूदगी में जो संकल्प लिया है वो 4 साल के अंदर पूरा हो सकता है, आपको क्या लगता है? अवधेश जी देखिए जो अभी भूपेश बघेल जी ने अभी मैंने सुना जो उन्होंने कहा कि 4 साल में हम इसको गरीबी रेखा के ऊपर ले आएंगे, आजादी के 70 वर्षों में छत्तीसगढ़ की पट्टी ने या आदिवासी क्षेत्र ने सिर्फ 1.5 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक की यात्रा पूरी की है। यानी पहले आदिवासी भाई हमारा 1.5 मीटर की लंगोटी बांधता था, आज भी आदिवासी क्षेत्रों में अगर देखा जाए क्योंकि विभाजित मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि वो 1 मीटर की अंगूठा बांधने लगा है। और जहां तक दंतेवाड़ा का सवाल है तो बस्तर से जगदलपुर से दंतेवाड़ा जाते हुए रास्ते में चारों तरफ हाट बाजार लगते हैं, हाट बाजार में आज भी दोनों में पत्ते के दोनों में शराब बिकती है और पी जाती है। तो यानी अशिक्षा, आप दंतेवाड़ा को आपने शिक्षा सिटी बनाया है, मुझे याद आता है महेंद्र कर्मा जी वहां से यहाँ जेल मंत्री थे तो महेंद्र कर्मा जी एक बार पत्रकारों को भोपाल से लेके गए थे, उस दल में मैं भी शामिल था, उस समय हमने दंतेवाड़ा को बड़े निकट से देखा था। अब देखिए एक बात और भी गौर करने वाली होगी कि जो लाइवलीहुड कॉलेज है उसको आइडल माना था, कहा था कि और उसको पूरा देश भर में मॉडल बनाकर के पेश किया था और सम्मानित किया था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया था। नहीं ठीक है, सम्मानित किया होगा, शिक्षा के क्षेत्र में निकले हैं कई लोग निकले हैं, लेकिन जैसा केरल साक्षर हुआ इस स्तर पे प्रयास नहीं किए गए। यानी आप जितनी भी स्कीमें शिक्षा की चली पूरे प्रदेश में लागू हुई, छत्तीसगढ़ में भी लागू हुई, लेकिन आप घर से और स्कूल तक नहीं निकाल पाए। आप देखिए आज भी वहां शिक्षा का माहौल है और आप कह रहे हैं कि हम उसको गरीबी रेखा से ऊपर ले आएंगे, कहीं ऐसा ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये दाव ऐसा उल्टा ना पड़े कि गरीबी रेखा के नीचे उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आने के बाद उनकी सुविधाएं ना छिन जाए। वैसे बहुत अच्छी बात है और समाज में कभी भी किसी वर्ग का अगर विकास करना है तो उसका जीवन स्तर सुधार देना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड, और लिविंग स्टैंडर्ड जब सुधर जाएगा तो गरीबी रेखा से आदमी अपने आप ऊपर हो जाता है। जैसे अगर कोई मजदूरी कर रहा है या वनोपज लेके बेचता है या कुछ करता है तो उसको घर में उसके महीने भर का राशन भरा हो, महीने भर की आवश्यक सामग्री जरूरत की भरी हो तो वो दारू शायद कम पिए, लेकिन जब वो मांग करके उधार लेकर के या दुकानदार से उधार लेकर के और अपनी पूर्ति करता है उसका लिविंग स्टैंडर्ड वहीं का वहीं रह जाता है। तो सरकार को सबसे पहले कोऑपरेटिव सेक्टर में वहां ध्यान देना चाहिए। चलिए राकेश जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है रायपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। राकेश जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो संकल्प लिया है बहुत अच्छी बात है, संकल्प लिया है, सोच अच्छी है, लेकिन इस सोच को साकार कैसे करेंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री रमन सिंह थे उनका 15 साल का शासन था बीजेपी का, उस दौरान दंतेवाड़ा की सूरत नहीं बदल पाई, तो आपका 1 साल निकल चुका है और 4 साल अभी ये हैं, तो क्या लगता है ये संकल्प साकार हो पाएगा और कैसे होगा? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की इच्छा शक्ति का पैमाना होता है कि किस वर्ग के लिए क्या करेंगे, इस बात की घोषणा करना, और लक्ष्य देकर प्रशासन को किसी प्रकार की कमी की पूर्ति करना ये अपने आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शाता है कि इतने दिनों में ये चीज करनी है।
दंतेवाड़ा में गरीबी रेखा में 40% आबादी है और देश का प्रतिशत 20 है, तो करीब करीब दुगने लोग जो हैं दंतेवाड़ा जिले में हैं। तो ये भूपेश बघेल जी ने ये कहा कि उनको राष्ट्रीय औसत के बराबर ले आया जाएगा, 40% आबादी में केवल 20% रह जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन प्रशासन को इस बात को देखना होगा कि किस प्रकार से ये पूरा किया जाता है, और इसके लिए डेफिनेटली कोई मैप बनाया गया होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको मूर्त रूप में कैसे दिया जाए ये प्रशासन की देखने रहेगी। दावे वादे तो बहुत होते रहे हैं, दावे और वादे तो बहुत होते रहे। बीजेपी का भी ये कहना है कि आपने शराबबंदी को लेकर के कहा था, आपने कहा था कि धान का समर्थन मूल्य जो खरीदी है वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे। जब यही चीजें अब तक नहीं हो पाई है, तो आप दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आप इस तरह से संकल्प ले रहे हैं और अगले 4 साल में आप उसको जो है जो जीवन यापन है गरीबी रेखा के नीचे 60% का, उसको कैसे कम करेंगे, कितना कैसे कर लेंगे, क्योंकि अभी आपके कई वादे अधूरे हैं। ऐसे में ये जो आपका नया संकल्प है क्या लगता है? देखिए, किसी वंचित वर्ग के लिए कोई संकल्प लेना, कोई वादा पूरा नहीं हुआ या अधूरा रह गया उसको देख कर न करना, ये बहुत गलत बात है। हमने धान का समर्थन मूल्य दिया है और आगे भी देंगे। शराबबंदी के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है, समिति इसकी समीक्षा कर रही है, वो भी पूरी होगी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए और इसको करना गलत है, ये मुझे लगता है कि ये सोच ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि गरीबों के लिए जो वंचित वर्ग के लिए वादा किया गया है या संकल्प दोहराया गया है पूरे मंत्रिमंडल की उपस्थिति में, वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और छत्तीसगढ़ मॉडल आने वाले दिनों में पूरे देश में दोहराया जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। जी, ओपी चौधरी जी, राकेश जी तो कह रहे हैं कि जो वादा करा है वो तो पूरा करेंगे, अभी 1 साल की सरकार है, धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा होता रहेगा, लेकिन जो इच्छा शक्ति है वो आप लोगों में नहीं थी, वो भूपेश सरकार दिखा रही है। इच्छा शक्ति सोच बेहतर है, आपकी शायद सोच के भी वो सवाल उठा रहे, आपकी सोच सही नहीं थी, इच्छा शक्ति मजबूत नहीं थी, इसलिए जो है विकास के मामले में छत्तीसगढ़ काफी पीछे रह गया, और खासतौर से दंतेवाड़ा का अभी तक भी कोई विकास नहीं हो पाया, इसलिए भूपेश बघेल जी को जाकर के संकल्प लेना पड़ रहा है। जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा में एक बहुत ही अच्छा बेस बना हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति निर्मित हुई है, वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से तैयार हुआ है, शिक्षा को लेकर वहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से काम हुआ है। मैं वहाँ के एक एक गांव गांव तक गया हूँ, वहाँ पे पीडीएस आखिरी छोर तक पहुँचता है, आप देख सकते हैं कि, और मोदी जी के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट में भी वो शामिल है। ऐसी पूरी स्थिति दंतेवाड़ा में एक बेस बना हुआ है, और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि दंतेवाड़ा को इसके लिए चुना जाए। और इसके अलावा मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो डीएमए पॉलिसी, मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो डीएमए पॉलिसी आई है, उसमें लगभग 180-190 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का दंतेवाड़ा को मिलता है। जो बैलाडीला के माइंस हैं, जो बैलाडीला के माइंस हैं, उससे जो आयरन ओर निकलता है, उसके रॉयल्टी का 30% जो सीधे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए जाता है मोदी जी के नई पॉलिसी के अनुसार, तो वहां पे वित्तीय संसाधन भी पर्याप्त है। तो अभी जो गरीबी के आंकड़े हैं जो 40%, वो काफी पुराने आंकड़े हैं, मैं ये भी कहूंगा। तो ऐसे परिवेश में दंतेवाड़ा में एक बहुत ही अच्छी स्थिति निर्मित है, और उसमें निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि एक अच्छे रोड मैप के साथ सरकार चले तो 4 साल में आसानी से वे 20% तक गरीबी रेखा के लक्ष्य को जो लाने का उनका संकल्प है उसको मुख्यमंत्री जी पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संकल्प प्रशासन की क्षमता की जरूरत है। लेकिन मैं दुर्भाग्य की बात कहूंगा कि पिछले 1 साल में जो दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी में बीपीओ सेंटर चल रहा था उसे बंद कर दिया गया, जो लाइवलीहुड के अफेयर्स हो रहे थे उसको बंद कर दिया गया, कड़कनाथ मुर्गे के जो प्रयास हो रहे थे उसको बंद कर दिया गया, ई रिक्शा की जो योजनाएं चल रही थी उसको बंद कर दिया गया है। तो इस तरह के जो अप्रोच रहेंगे तो उससे निश्चित रूप से ये संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। दंतेवाड़ा के प्रयासों को
2011-12 के लिए 2013 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश का सबसे बड़ा अवार्ड आईएएस के लिए मुझे प्रदान किया था और वहां के गांव-गांव को मैं समझता हूं। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर सरकार अच्छी नीयत से चले तो आसानी से उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि इस तरह का बेस दंतेवाड़ा जिला में तैयार है। और बट लेकिन ये कहना चाहूंगा कि गंगा जल को लेकर जिस तरह का झूठा कसम कांग्रेस खाई, उस तरह से अगर अगर करें नहीं तो नहीं पूरा। चौधरी जी कांग्रेस झूठा कहाँ कह रही है, वो कह रही ना कि वो उसने जो भी वादा किया है वो उसको पूरा करेगी। अभी तो सरकार को 17 दिसंबर को ही एक साल पूरा हुआ है, तो थोड़ा समय दीजिए ना। और ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर जो चीजें जो वादे अगर अधूरे हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार दूसरी नई चीजों की ओर नहीं बढ़ी। अगर नई चीजों की ओर बढ़ रही है तो थोड़ा सा मौका देना चाहिए। जवाब देना चाहूंगा जी चौधरी जी। हाँ जवाब दीजिए आप जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि गंगा जल को लेकर जिन जिन कसमों को, जिन शपथ को, जिन वादों को 10 दिन में पूरा करने का वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ। 2500 रुपए में पिछले साल धान खरीदी की गई थी, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस बार कोई भी किसान को 2500 रुपए नहीं 1835 रुपए भी नहीं मिल पा रहे हैं। जो एक दिसंबर को जो धान बेचे हैं, कई लोगों का पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है और सरकार खुद 1835 रुपए में खरीदने की बात कर रही है। तो ओवरऑल जो 10 दिन में वादे पूरे होने थे, जो 2500 रुपए पिछले साल पूरा किया गया था, उससे भी मुकर गई है सरकार। और जो धान को गांजा की तरह जा के पकड़ रहे हैं किसानों के धान को, उससे मुझे आपत्ति है। चलिए जवाब ले लेते राकेश जी, 10 दिन वाले तो वादे पूरे नहीं हो पाए, अब 4 साल का आपने एक संकल्प ले लिया है कि 4 साल के अंदर दंतेवाड़ा की तस्वीर को बदल देंगे, गरीबी रेखा से ऊपर उसको लेके आ जाएंगे। देखिए, जिन लोगों ने वादे किए 15 साल निकाल दिए वादे पूरे करने में, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटे के अंदर किसानों का ऋण माफ किया, 2500 रुपए धान भले कर्जा लेना पड़ा दिया है, और अभी भी ये कहा है कि 2500 रुपए के हिसाब से दाना दाना धान खरीदेंगे। देखिए, ये विषय से हटकर है, वो जो विषय है इस वार्ता का उस पे आए तो बात नहीं, करेंगे। उसपे वो देखिए, क्योंकि जहाँ तक देखिए राकेश जी देखिए, ये भी संकल्प है और वो भी वादा था, तो ऐसा नहीं है सब आप ही की सरकार को, आपकी सरकार को सारे कार्य कर दिए, चाहे वो संकल्प हो या वादा हो, सभी चीजों को आपको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है जिसको 10 दिन बोला उसको 2 घंटे में पूरा किया था जी, लेकिन 2 घंटे में साइन तो हो गए, लेकिन साइन होने के बाद क्या राशि पहुंच गई सबको, सबका कर्जा माफ हो गया था क्या? नहीं देखिए, अभी तक नहीं हुआ है। पिछले साल निश्चित रूप से 2500 रुपए में धान राकेश जी का जवाब दे रहे हैं। जहाँ तक कर्जे की बात है, सबका जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था उसमें सबका कर्जा माफ हुआ, ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। और जहाँ तक दंतेवाड़ा की बात है, चौधरी जी खुद कह रहे हैं कि वहाँ बेस बहुत अच्छा है, हम समय सीमा 4 साल जो कही गई उसमें अपना वादा पूरा कर संकल्प पूरा करके दिखाएंगे। और इस प्रकार का संकल्प छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में पहले प्रकार का होगा कि किसी वंचित वर्ग के, वंचित जिले की आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर ले लाया जाए। मुझे लगता है कि ये बहुत ऐतिहासिक संकल्प है, इसको समय सीमा में पूरी सरकार पूरा करेगी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहेगा कि पूरा हो। और राकेश जी एक सवाल ये है कि जब 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार काबिज हुई और उस वक्त जो है प्रदेश में रमन सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, और उसके बाद 2018 तक रही, जब इन 4 सालों में दंतेवाड़ा की सूरत जो है नहीं बदल पाई, विकास की ओर तेजी की रफ्तार के साथ नहीं बढ़ सका, तो ऐसे में अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, तो आपको लगता है कि उस तरह का समर्थन मिलेगा? ठीक है, जो बेस तैयार हो गया है बहुत अच्छी बात है, आपने उसको लेकर के संकल्प तो ले लिया है, लेकिन अब जब क्योंकि केंद्र में आप कहते हैं कि वैसे ही सौतेला व्यवहार करती है, लगातार कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार की बात हो, कमलनाथ सरकार की या भूपेश सरकार की बात हो, उस तरह का जो है सपोर्ट नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत में अब आपको क्या लगता है कि जो संकल्प लिया है वो बाकी 4 साल के अंदर पूरा हो जाएगा? देखिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जवाब मैं देना चाहूंगा इसका।
किसी भी राज्य के विकास के लिए इच्छा शक्ति और संकल्प की बात होती है, उसमें संसाधन आड़े नहीं आते कभी भी। ये पार्टी की प्रकृति और रीति नीति में फर्क होता है। यदि विरोधी दल की सरकार है केंद्र में, तो मुझे नहीं लगता कि ये संकल्प ये ध्यान में रख के नहीं लिया गया होगा। यदि कांग्रेस की इच्छा शक्ति है तो हम पूरा करके दिखाएंगे। कोई सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है तो हमें लगता नहीं कि किसी प्रकार की रुकावट आएगी। हम अपने दम पे इसको संकल्प को पूरा करके दिखाएंगे। जी चौधरी जी, तो संकल्प को पूरा करने में मदद करेंगे क्या भूपेश सरकार की आप? जी कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो एनएमडीसी का रॉयल्टी का पैसा होता है आयरन ओर का, वो पहले 100% रॉयल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट में बट जाती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक मेजर स्टेप जो लिया गया और डीएमएफ को लेकर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को लेकर, उसमें 30% रॉयल्टी जिला के स्थानीय विकास के लिए जा रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा सपोर्ट दंतेवाड़ा जैसे जिले के लिए जहां माइनिंग होती है उसके लिए साबित हुआ है। ये पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। दूसरा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो सूची है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लानिंग कमीशन की, उसमें दंतेवाड़ा भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि दंतेवाड़ा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े निर्णय मोदी जी की सरकार के द्वारा पहले ही लिए जा चुके हैं। और ये सोचना कि दंतेवाड़ा में कुछ नहीं हुआ पिछले 15 सालों में, वो बिल्कुल गलत सोच है। 2013 में 2011-12 के लिए वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एजुकेशन के लिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने स्वयं वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दंतेवाड़ा को हमें मुझे अवार्ड प्रदान किया है। तो मैं इस बात को इस जोर देकर कहना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा में बहुत अच्छा बेस बना हुआ है और इसको गवर्नमेंट में जरा भी इच्छा शक्ति हो तो आसानी से पूरा कर सकती है। और मैं ये कहना चाहूंगा दंतेवाड़ा बचेली किरंदुल ये एक मेन रोड पर है, तो इसमें दंतेवाड़ा से ज्यादा जरूरी बस्तर में आज बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर को इस तरह के संकल्प लेने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा से ज्यादा विकट परिस्थिति आज सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में है, तो उन तीनों जिलों के लिए भी वह संकल्प लें, यह मेरा निवेदन है। चलिए राकेश जी, बाकी जिलों के लिए संकल्प कब लेंगे आप? चौधरी जी सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, दंतेवाड़ा के लिए तो ले लिया, बाकी का क्या होगा? देखिए मुझे लगता है कि पहले दंतेवाड़ा से ज्यादा जरूरी है उन जिलों जब में लेना। मॉडल सफल हो जाए तो बाकी जिले, या फिर हमें लगेगा कि भाई यहाँ पर मॉडल सफल होना चाहिए, बाकी जिले भी, और सबका साथ यदि होगा तो मुझे लगता है कि जल्दी पूरा हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल आपसे है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो नक्सलियों की जो चुनौती है उनसे निपटना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में जो क्या लगता है आपको कि भूपेश बघेल जी ने जो संकल्प लिया है वो पूरा हो पाएगा 4 साल के अंदर? देखिए उनका संकल्प बहुत अच्छा है और वो उन्होंने इतनी इच्छा शक्ति से लिया है तो अवश्य उसको पूरा करने की दिशा में वो पूरे कदम उठाएंगे। और जहां तक नक्सल समस्या का सवाल है तो मोस्टली जो वहां नक्सलाइट्स हैं उस क्षेत्र में उनके परिवार भी मोस्टली वहीं रहते हैं। तो हमने ये देखा है कि उनके परिवार वाले जहां विकास की बात आती है, यहां जो आवश्यक विकास की आवश्यकता होती है, तो परिवार वाले ही नेक्स्ट स्लाइड पर ये दबाव बनाते हैं कि नहीं यहां तुम नहीं बोलोगे। जैसे वहां थैपर ग्रुप का कुछ काम था तो उसके यहां जो वर्कर काम करते थे पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन बाद में उनके नेक्स्ट स्लाइड्स के परिवार वालों ने ही उन पर दबाव बनाया और वहां उनको बेरोक टोक उन्होंने काम किए। और किसी भी काम को, जैसे बीजेपी ने, अभी चौधरी जी ने बताया कि उन्होंने काफी बेस तैयार किया था बीजेपी ने, तो देखिए आपने बेस तैयार किया, अगर उसमें इमारत का पिलर कांग्रेस रख रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए और आपको सहयोग करना चाहिए। और केंद्र सरकार से अगर इनको आशंका है या किसी और को आशंका है कि वो फंड नहीं देगी, जब वो योजना आयोग की स्कीम में शामिल है तो निश्चित तौर पर फंड मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो वहां का सांसद
चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, और जन अभियान की सहयोग से उनको केंद्र को मजबूर करना चाहिए कि क्षेत्र का विकास, भाई क्षेत्र आपका है, आपके क्षेत्र का विकास हो रहा है, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और कोई भी व्यक्ति जब एक मान लीजिए वो झंडा उठाकर चलता है कि मुझे ये काम करना है, तो आप अगर उसका साथ नहीं दे सकते तो आप मूक दर्शक होकर देखिए, लेकिन अगर उसने इतनी इच्छा शक्ति से बघेल जी ने, क्योंकि बघेल जी की कार्यप्रणाली से मैं परिचित हूँ, तो वो अवश्य उस काम को पूरा करेंगे और निश्चित तौर पर, और एक जिला हो जाएगा तो दूसरा जिला, तीसरा जिला। शुरुआत करनी पड़ती है, कभी भी कारवां के लिए एक व्यक्ति चलता है, एक व्यक्ति के साथ लोग जुड़ते जाते और कारवां बनता जाता है। तो कम से कम उस दिशा में जब बघेल जी ने एक संकल्प लिया है तो उसके पूरे करने की दिशा में अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो मूक दर्शक होकर के देखें और उन्हें उनका संकल्प पूरा करें। राकेश जी, दंतेवाड़ा के बाद फिर अगला संकल्प जो है कौन से जिले को लेकर के होगा आपका? देखिए, संकल्प के अलावा बाकी जो जिले हैं उनके विकास के ऊपर भी सबका ध्यान है, लेकिन चूंकि दंतेवाड़ा में 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है तो ये संकल्प उसको ध्यान में रख के लिया गया होगा। दूसरे जिले इस संकल्प के कारण ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये मुझे लगता है सोच ठीक नहीं है। अच्छा, राकेश जी, सभी जिला की तरफ समान संकल्प से ध्यान दिया जाएगा। जी राकेश जी, बीजेपी का जो 15 साल का शासन रहा और आपका 1 साल का जो शासन रहा, काफी इसकी तुलना होती है, आपको क्या लगता है जिस रफ्तार से जो है बीजेपी की जो रमन सरकार थी वो प्रदेश को आके लेके जा रही थी वो ज्यादा सफल थी, या आपकी सरकार जो 1 साल के अंदर जिस तरह से काम किया है उससे प्रदेश के विकास को गति मिली है? देखिए, फर्क टीम वर्क और राजनीतिक इच्छा शक्ति में, ये दो शब्द है जो हमारी सरकार और रमन सरकार में फर्क करते हैं। और लगातार लक्ष्य का पीछा किया जा रहा है और प्रशासन को लक्ष्य दिए जा रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और जिस वंचित वर्ग की सरकार है उसके ऊपर विशेष ध्यान है। बस मुझे इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, जो दोनों दल की रीति नीति में फर्क दिखाते हैं कि वंचित वर्ग को ध्यान देकर काम किया जाए। जी चौधरी जी, एक लास्ट कमेंट आपका, मैं सवाल नहीं करूंगा, एक लास्ट कमेंट बस आप। मैं यही कहूंगा कि दंतेवाड़ा के लिए बहुत अच्छा बेस तैयार है और वहाँ एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। मोदी जी के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में दंतेवाड़ा पहले से शामिल है। डीएमए पॉलिसी के तहत पैसा का अरेंजमेंट ऑलरेडी मोदी जी दंतेवाड़ा जैसे माइनिंग जिलों के लिए कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से ये तो संभव है लक्ष्य। लेकिन दंतेवाड़ा से ज्यादा जरूरी आज के डेट में सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर है, तो उसके लिए भी इसी साथ आज ही संकल्प लें मुख्यमंत्री जी, ये मेरा निवेदन है। राकेश जी, ओपी जी कह रहे हैं कि इसको लेकर के भी आज ही संकल्प हो जाता दंतेवाड़ा के साथ ही तो बहुत बेहतर होता। राहुल गांधी जी तो आज आए थे, बाकी जिलों को लेकर संकल्प हो जाता। चौधरी जी जो कह रहे हैं वो उनकी पार्टी पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए हमारी पार्टी से चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी की जाएगी कांग्रेस सरकार की तरफ से, ऐसा आश्वासन और विश्वास उनको दिलाना चाहते हैं। भार्गव जी, एक ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में आपकी छोटी संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहिए। देखिए, मैं शुभकामनाएं देता हूँ मुख्यमंत्री जी ने जिस इच्छा शक्ति से संकल्प लिया है, कहीं जैसा कि मोदी जी ने बीजेपी के सांसदों से कहा था कि आप एक एक गांव 5 वर्षों में गोद ले, उनका विकास करें, कहीं ये उसके जैसा ना हो जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है और हमारी शुभकामनाएं। चलिए राकेश जी, आप हमारे साथ चर्चा में रहे, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भार्गव जी, आप जो है आपका भी धन्यवाद, लेकिन आपको अभी बने रहना है, जाना नहीं है, अगली मध्य प्रदेश की डिबेट में भी आपसे बात होगी। तो भूपेश बघेल जी ने जो संकल्प लिया है वाकई वो बहुत बेहतर है, लेकिन वो संकल्प साकार हो तब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि संकल्प वादे दावे बहुत हो जाते हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर के आते, ऐसे में कठिनाई जनता को होती है और खासतौर से कहीं ना कहीं आगे चल के उसके चलते जो मुश्किल होती है वो पार्टियों को ही फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से वो दावे वादे कर देते हैं उसके बाद जब चुनाव का वक्त आता है तो जनता जवाब देती है। ऐसे में जरूरी है कि जो भूपेश बघेल सरकार ने संकल्प लिया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकल्प लिया दंतेवाड़ा के विकास का, जो 60% से जो गरीबी स्तर जो उसको उठाने की बात कही है, गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने की बात कही है, तो देखते हैं संकल्प आने वाले 4 सालों में पूरा हो पाता है या नहीं।
तो चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। सुशासन के समग्र रैंकिंग में पिछड़ा मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में कैसे नंबर वन बना और मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने कौशल से कितना जल्दी प्रदेश को जो है सुशासन